मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के फाइनल रिजल्ट यानी कि नतीजे 3 को आने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही एग्जिट पोल्स ने मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया। एग्जिट पोल से बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है। इस मामले में सीएम शिवराज ने भी मीडिया को कुछ संकेत दिए हैं। एग्जिट पोल्स में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान जताया जा रहा था, साथ ही साथ बंपर सीटें भी मिलती नजर आ रही है। बीजेपी को मिल रही बढ़त के बाद अब मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। भारतीय जनता पार्टी ने बिना सीएम फेस के ही चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी। अगर ऐसे में बीजेपी को सत्ता मिलती है तो प्रदेश का मुखिया कौन होगा, ये सवाल अब उठने लगा है। इस पूरे मामले में सीएम शिवराज ने भी रिएक्शन दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से जब मीडिया ने सवाल किया कि क्या पांचवी बार सरकार बनने पर वो खुद ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस सवाल को सीएम शिवराज ने हंसकर पहले तो टाल दिया और बाद में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोलकर धीरे से निकल लिए। शिवराज का ये रिएक्शन भी बहुत कुछ बता रहा है। एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बंपर सीटें मिलती नजर आ रही है, जिसका श्रेय सीएम शिवराज की लाडली बहना योजना को दिया जा रहा है। सीएम शिवराज ने खुद भी मीडिया से इसका जिक्र किया और कहा कि लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। एक लंबा सफर है जिसने बहनों के हृदय में एक अलग स्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाया, और चाहे हमने पीएम किसान सम्मान निधि में सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चंद घंटों में ही ये साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और किसकी ताजपोशी होगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? आपको लगता है एग्जिट पोल सही साबित होंगे? अगर बीजेपी की सरकार बनी तो सीएम फेस कौन होगा? आप कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।